तो हर हर महादेव दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है अभी हम आ चुके हैं हरिद्वार में और यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है ना जिसका कोई जवाब नहीं। अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं गंगा स्नान करने या फिर सावन में दर्शन करने आना चाहते हैं हरिद्वार, तो कृपया एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हो रही है। ये देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी भीड़ है और यहाँ पे देखो पूरा बारिश का मौसम है। और ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन का फ्रंट का व्यू और बाकी का आप सभी लोग देख सकते हैं। जब आप हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के बाहर आएंगे तब आपको कुछ इस प्रकार की मूर्ति दिखाई देगी जो कि भगवान शिव जी की है। और उसी के साथ साथ एक और है वहाँ पे, और रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ये पार्किंग है। और इधर बाकी का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है आसपास का व्यू। और यही है कुछ हरिद्वार का रेलवे स्टेशन जो कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और बाकी का चलते हैं अब हर की पौड़ी पे और आपको दिखाते हैं हर की पौड़ी का व्यू। तो भाई अब हम ना यहाँ से हरिद्वार रेलवे स्टेशन से अब हम हर की पौड़ी की तरफ चल चुके हैं और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी है, तो टहलते टहलते जा रहे हैं। बट मौसम यहाँ पे बहुत बढ़िया हो रहा है और अभी चलते हैं हर की पौड़ी पे और आपको दिखाते हैं हर की पौड़ी का व्यू। तो भाई अब हम चलते चलते पहुँच गए हर की पौड़ी पे और अब आपको दिखाते हैं हर की पौड़ी का व्यू। ये देखो, ये है हरिद्वार हर की पौड़ी के नज़ारे, तो कितने खूबसूरत व्यू है। और अभी बाढ़ का पानी आ रहा है बारिश का, इस वजह से गंगा जी का जो जल है वो थोड़ा गंदा टाइप में हो गया है। बट गंगा जल तो गंगा जल होता है, मिट्टी का जल है जो कि पहाड़ से पानी आ रहा है ना, इस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। बाकी ये देखो भीड़ कितनी सारी है और यहाँ पे मौसम ख़राब होने की वजह से कुछ ऐसी भीड़ है। और इधर का बहाव भी देख सकते हैं आप लोग, और गंगा जल है ना जो थोड़ा कम हो गया है, और लहर भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। ये पूरे हरिद्वार हर की पौड़ी के नज़ारे और ये है सामने हर की पौड़ी। और अब चलते हैं हम नीचे और फिर आप लोगों को दिखाते हैं नीचे का व्यू। बाकी का ये देख सकते हैं आप, बारिश हो रही ना इस वजह से छाता वगैरह ले रखा है यहाँ पर। और अभी हम जा रहे हैं नीचे, बाकी ये देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं गंगा स्नान करने। हम भी आए थे स्नान करने बट स्नान करेंगे अभी, आप लोग देख सकते हैं लाइव।